कहाँ मर गया रे संसद विधायक, कहाँ मर गया रे, कहाँ मर गया, कहाँ मर गया महिला लोग जो संसद में बैठ बैठ के चिल्लाता था तुम लोग आजादी आजादी, कहाँ मर गया तुम लोग रे, कहाँ मर गया। मनीषा बहन के साथ किस तरीके से दुष्कर्म किया गया है आज तुम लोग के बोलने के लिए पिछवाड़े में औकात नहीं है क्या तुम लोगों को, कहाँ मर गया रे स्टेडियम में बैठ के चिल्लाने वाले मीडिया, कहाँ मर गया तुम लोग। एक बहन के साथ गलत किया गया है, मनीषा बहन के साथ गलत किया गया और तुम लोग चुप्पी साधे हो रे गद्दार भड़वे, कहाँ से मर गए रे तुम लोग संगठन चलाने वाले, कहाँ मर गए रे भड़वे। अपने आप से कहता था कि मैं देश के सेवा के लिए संगठन बनाया हूँ, तो आज जो दुष्कर्म किया गया है मनीषा बहन के साथ तो तुम लोग चुप क्यों हो बे गद्दार, क्यों बे हजारों के संगठन बना बना भारत में चलाने वाले काहे काहे चुप हो बे, क्यों चुप हो, वो क्या दलित का बेटी है तो क्या हम लोगों का बहन नहीं हो, क्यों चुप हो। निर्भया बहन के साथ जिस तरीका से दुष्कर्म किया गया और उसको इंसाफ लेने के लिए 8 साल लग गया, उस तरीका से अभी नहीं होने देंगे, 1 महीना या 10 दिन के अंदर इंसाफ चाहिए, इंसाफ लेकर रहूंगा भाई समझ रखना। मैं पब्लिक से कहूंगा कि कोई भी चुप नहीं रहिए, आवाज उठाइए नहीं तो इस मुद्दा को दबा दिया जाएगा, आवाज उठाइए नहीं तो इस मुद्दा को दबा दिया जाएगा। आज मनीषा बहन के साथ ऐसा गलत हुआ है, कल हम लोगों को माँ बहन के साथ भी गलत होगा। ये ऐसे ऐसे हिजड़े साला पैदा कहाँ से लेते हैं, ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने वाले सारे गंडू पैदा कहाँ से लेते हैं भड़ुए इन लोग, इन लोगों के साथ इन लोगों के बढ़िया से सजा नहीं मिलता है इसलिए गद्दार ऐसे भड़ुए लोग मिलते हैं, समझे कि नहीं। इन लोगों का सजा मालूम है कैसे मिलना चाहिए, इन लोगों का सजा फांसी का नहीं मिलना चाहिए, जिस तरीका से मनीषा बहन को जीभ काट दिया गया उसकी गर्दन तोड़ दिया गया उसी तरीका से इन सला भड़ुओं को जुबान काट दिया जाएगा, तब सारे इन लोगों को समझ में आएगा। इन लोगों का जनु हाथ काट दिया जाए और 20 सड़क पे घुमाया जाए लंगा करके, तब इस भड़ुए गद्दार साहब बलात्कार करने वाला दोगलों को समझ में आएगा, नहीं तो इन घटिया लोग समझने वाला नहीं है। कहाँ चल गया बे तुम लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चल गया तुम लोग, स्वर्ग लोक में चल गया क्या तुम लोग बे, अरे मंत्री विधायक संसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान वाला आदमी कहाँ गया तुम लोग, क्यों नहीं आज आवाज उठाते हो, क्यों चुप हो तुम लोग। और आम पब्लिक ख्याल रखना, देखना कि कौन कौन गद्दार साला इस समय में चुप है, जो चुप है वो साला देश का सबसे बड़ा गद्दार है साला, साला बहुत चिल्लाते हो ना सब, और सब मुद्दे पे, ये सब मुद्दे पे चिल्लाने में तुम्हारा लकवा मार दिया क्या तुम लोगों को। और इंसाफ लेने के जहाँ तक बात है बेटा तो सुन ले बे, जो चुप है उन लोगों को बोल रहा हूँ, इंसाफ तो लेंगे ही रे बेटा भले कुछ भी हो। बस मुझे पब्लिक से निवेदन है कि आवाज के दबने मत देना, कोई कुछ भी हो जाए आवाज को उठाना है और गद्दारों को सजा तो दिलाना ही है और देना भी है, आवाज को दबने नहीं देना भाई, मेरे बात को ख्याल रखें, आवाज को जितना हो सके जोर शोर से उठाइए और मनीषा बहन को इंसाफ दिला कर रहेंगे और इन भड़ुआओं को जुबान को काटेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, आवाज को दबने नहीं दीजिएगा।